अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 जुलाई 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। BPSC TRE पुनर्परीक्षा का शेड्यूल आया है, CTET का प्री एडमिट कार्ड आ चुका है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि DLED का हमारा पेपर कब से होगा। जुलाई का महीना भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, देखिए जुलाई का महीना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आपको बता दें इसी महीने 7 तारीख को भी हम लोग CTET का एग्जाम देने जा रहे हैं। 19 और 20 जुलाई को हमारा BPSC TRE 1-5, 6-8 का पेपर होगा। पहले 6-8 का है, 1-5 का बाद में है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ और बातें देखते हैं जो न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है। PCS JEE मेंस में बदली थी 50 कॉपियां, 5 अधिकारी मिले दोषी, 3 निलंबित हो गए, ठीक है। आप देख सकते हैं, मतलब हर स्तर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी। उसके बाद अगली अपडेट है, उपस्थिति दर्ज करने को लेकर शिक्षकों ने रखी थी सर्त, विरोध शुरू हो चुका है, ठीक है। फिर अगली खबर आती है CTET को लेकर के अपडेट है ऑफिशियल वेबसाइट से। 2 जुलाई 2024 आज की अपडेट को देखेंगे। फिलहाल आप यहां पर देख सकते हैं व्यू सेंटर सिटी फॉर CTET जुलाई 2024 है और लॉगिन CTET जुलाई 2024, ठीक है। तो जो भी दोस्तों अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाह से आपको बच के रहना है, तरह तरह की बातें चलती हैं, ठीक है। एग्जाम को लेकर पेपर से पहले पेपर लीक की बातें सामने आ सकती है, बच के रहिएगा, नहीं तो फेक पेपर के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट भी खराब होगा। जी हाँ दोस्तों, फेक पेपर के चक्कर में बहुत से बच्चे पढ़ जाते हैं कि नकली पेपर वायरल होता है, आप लोग को मिल जाता है, आप लोग उसको पढ़ लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, जो 6 महीने आपने मेहनत किए सब खराब कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप जाते हैं रियल पेपर देखते हैं, जब वो मैच नहीं करता ना, तो दिमाग आपका काम नहीं करता, भले आप कितना ही पढ़कर क्यों ना गए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप जो पढ़ते हैं बस वही आपके दिमाग में घूमता है। उसके बाद दोस्तों परीक्षाएं कब से शुरू होंगी, CTET 7 जुलाई एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, पेपर की तैयारी को लेकर क्या अपडेट है, एग्जाम फॉर्म। देखिए अभी जो हमारा एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा फर्स्ट और थर्ड के लिए भरा जाएगा, और जो बच्चे बैक पेपर वाले उनको भी मौका मिल जाएगा। अगर फर्स्ट और थर्ड में कोई बच्चा प्रत्यावेदन का, क्या उसको मौका मिलेगा कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, अभी PNP से जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आती ना, तब तक हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। DLED स्कॉलरशिप स्टेटस को लेकर क्या अपडेट है, कैसे स्कॉलरशिप का स्टेटस देखना है, UPTET SuperTET नोटिफिकेशन की क्या अपडेट है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करते रहेंगे। तो फिलहाल तैयारी में आप लोग को लगे रहना है, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। बाकी प्री एडमिट कार्ड दोस्तों आ चुका है, जहाँ पर आप लोग अपनी सिटी देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पर गया है, किस जिले में गया है, लेकिन ये नहीं देख पाएंगे कौन से स्कूल में गया है। वो लास्ट में जारी किया जाता है, वो इसलिए होता है ना कि कहीं आप लोग की कोई सेटिंग ना हो जाए। जो सालवर गैंग रहता है वो क्या करता है, पहले उस कॉलेज में बात करता है, लेकिन अब रूल काफ़ी ज़्यादा सख्त है इस बार, तो देखते हैं क्या होता है, पेपर लीक होता है कि नहीं, कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं कि नहीं। हर जगह दोस्तों पेपर लीक पेपर आउट की बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल दोस्तों एग्जाम को लेकर क्या मामला है जरा समझ लेते हैं, कैसे पढ़ाई करनी, कैसे एक अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो हम आपको बता दें, पहले देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या ध्यान देना होता है, कोई भी एग्जाम पेपर होता है, सबसे पहले 15 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन, 15 अतिलघुउत्तरी और 20 नंबर के लघुउत्तरी, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं, लघुउत्तरी में 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए तो टोटल 6 नंबर का आपने पेपर छोड़ दिया। और जो 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, 5 बहुविकल्पी, 6 अतिलघुउत्तरी, 14 नंबर के लघुउत्तरी, यहाँ पर भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपसे मिस होते हैं, तो यहाँ पर भी आपने 6 नंबर छोड़ दिए यहाँ पर भी। लेकिन याद रखिएगा, जो ये नंबर होते हैं ना लघुउत्तरी वाले, अगर आपने इसमें थोड़ा बहुत गलत भी लिख दिया तो 6 में से कुछ नहीं, तो आपको 4 नंबर तक मिल सकता है, ये ध्यान रखना है। अति लघुउत्तरी ऐसा क्वेश्चन होता है, अगर आपने गलत लिखा है तो 0 नंबर मिलेगा, कोई उसमें आपको मोल भाव नहीं, सीधे एग्जामिनर 0 कर देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। पेपर की तैयारी कैसे करना है, देखिए अगर अभी तक आपने सीरीज नहीं खरीदी है पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग सीरीज खरीद लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब लास्ट टाइम में बुक से पढ़ने का ज़्यादा फायदा नहीं मिलता, क्योंकि जो बच्चे सीरीज से पढ़ते हैं वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। DLED स्कॉलरशिप का स्टेटस, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है,
यहाँ से आप लोग अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप आई है कि नहीं, आएगी कि नहीं वो भी। यूपी टेट सुपर टेट का नोटिफिकेशन में क्या अपडेट है? देखिए दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग तो हमारा बन गया। सबसे पहले उनकी सिफारिश देखने की मिली कि भैया हमारी सैलरी बढ़ा दो। जी हाँ, ठीक है। सभी लोग देखिए आजकल सेल्फिश हैं, सभी लोग अपने लिए काम करते हैं। तो ये भी पहले आपने देखा होगा, काफ़ी बातें वायरल हो गई। ये बातें मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वायरल हो जाती हैं। बाकी हमारा जो यूपी टेट का एग्जाम है वो साल के अंत में ही होगा। बहुत से बच्चे बेसब्री से, पता नहीं हमको नहीं समझ में आता क्यों इंतजार करते हैं, जब सीटेट का पेपर साल भर में 2 बार हो रहा है। ठीक है, समय से पेपर होता है, समय से रिजल्ट आता है, इनका सर्टिफिकेट भी आपको डिजी लॉकर पर मिल जाता है। यूपी टेट का सर्टिफिकेट का मामला भी फंसा है भाई, 2021 वाला, सोचिए 2021। बहुत से बच्चों को रिजल्ट नहीं मिला अभी तक। इसका जो ओरिजिनल रिजल्ट आता है वो आप जाके डायरेक्ट से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सोचिए यार, इतना समय लगता है तब भी बच्चे मतलब यूपी टेट के लिए पीछे, मतलब एक होती है ना फैन फॉलोइंग, तो यूपी टेट के चक्कर में बहुत बच्चे परेशान हैं। ठीक है, तो फिलहाल पेपर की डेट शीट क्या होगी, देखिए पिछले साल हमारा 3 जुलाई से पेपर शुरू हो गया था और आज की डेट में 2 तारीख को सभी बच्चे अपना जाकर कॉलेज में एडमिट कार्ड प्राप्त कर रहे थे। जो भी बात थी, पेपर की तैयारी चल रही थी, एग्जाम का मतलब पूरी माहौल बन चुका था। तो आज एक साल के बाद इस बार का हम लोग का प्रोसेस काफी लेट हो रहा है, जो कि इस बार पेपर पहले भी हो सकता था लेकिन और ज्यादा लेट हो रहा है। देखते हैं अब क्या होगा आने वाले टाइम में। तो फिलहाल बीपीएससी की तैयारी में बच्चे लग चुके हैं, इसका भी एक हो सकता है नया एडमिट कार्ड जारी किया जाए, क्योंकि पेपर लीक था तो कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन हो सकता है एग्जामिनेशन सिटी चेंज होगी कि नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ठीक है सिटी सब कुछ है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी, ये क्या है, अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों के तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी की जा रही है। मंगलवार को कैबिनेट में मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों के लिए नियम कानून बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। अगर इस पर मुहर लगी तो 20 से 30 वर्षों तक अपनी सेवाएं दे चुके शिक्षकों को मानदेय पर रखा जाएगा। बीते वर्ष नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनकी सेवाएं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने खत्म कर दी थी। ऐसे करीब 3,000 शिक्षक हैं जिन्हें इसका लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रसिद्धी स्कूलों में 15 जुलाई से टैबलेट पर चेहरा दिखाकर शिक्षकों व छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी, यानी फेस रिकग्निशन सिस्टम के माध्यम से हाजिरी लगाई जाएगी। स्कूलों को इसके लिए टैबलेट दिए गए हैं और सिम खरीदने व इंटरनेट की सुविधा के लिए भी धन दिया जा चुका है। ऐसे में अब अधिकारी हर हाल में इस व्यवस्था को लागू करने पर जोर दे रहे हैं। उधर शिक्षकों ने शर्त रखी है कि अगर वह किन्हीं कारणों से विलंब से पहुंचे तो उन्हें छूट दी जाए। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या है कि माहौल में आप देख सकते हैं बारिश हो रही, कुछ और दिक्कत है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों तैयारी में लगे रहिए, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद देख सकते हैं सीटेट की अपडेट है ये सब। ठीक है, तैयारी में लगे रहिए। तो सीटेट का एडमिट कार्ड आने वाला है, फिलहाल डीएलएड का एग्जाम इस महीने। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, जितना लेट होगा उतना मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि 10 से 15 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरा लिया जाता है, मतलब एक अपडेट आती है एग्जामिनेशन फॉर्म। देखिए जो अब एग्जामिनेशन फॉर्म की अपडेट आएगी ना, तो ये लगभग लगभग तुरंत की रहेगी कि आज अगर आदेश आता है तो कल से आवेदन शुरू हो जाए, ऐसा रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आज आदेश आएगा 10 दिन बाद तुरंत काम शुरू होगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों अभी भी पूरी उम्मीद है कि जुलाई में हमारा एग्जाम हो सकता है, अगर पीएनपी चाहेगी तो। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।